इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेम, एक आपके पास सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो हम आज शुरू करेंगे, जिसमें आपके पास सिर्फ दो ही यूनिट है और दो यूनिट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। और दो यूनिट में क्या आपके पास चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री EII। देखो बच्चों, सबसे पहले मेन बात होती है इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि आखिर ये नाम रखा क्यों गया, आखिर इस सब्जेक्ट का ये नाम क्यों रखा गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ इंडस्ट्री में हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए। आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? आपके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिखेगी, चाहे कोई भी चीज़ हो और किसी के भी घर में हो। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देखी है। आपके घर का चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर है क्या? एक बार अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन चिप्स विच कंट्रोल एंड चेंज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बेसिक एक डेफिनेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में। और ये किस पे काम करता है? ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप्स के ऊपर, जो कंट्रोल और चेंज करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें पास होती है। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक तरीके का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो किसको एम्पलीफाई करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। एम्पलीफाई शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। एम्पलीफाई करना क्या होता है? किसी सिग्नल को स्ट्रेंथ देना, उसको पावर देना, किसी वीक सिग्नल को पावर देने को कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो वो काम क्या करता है? यह एक ट्रांजिस्टर करता है जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। आप आगे इसमें जैसे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एससीआर पढ़ेंगे, डायोड्स पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। एक बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में भी ये फ़र्क है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वायरलेसली काम करता है और ये इलेक्ट्रॉनिक होल के ऊपर काम करता है। जो इलेक्ट्रिकल होता है वो वायरलेस के ऊपर काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट्स, करंट का जो बहना होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाह हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसके कंट्रोल के ऊपर जो काम करता है क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरीके का पार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम बिजली के तार ये सब देखते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिकल है। तो जो इलेक्ट्रिकल होता है वो वर्क कैसे करता है? वो सीधे विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके वो काम करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा पर काम करता है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल से जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसके ऊपर कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। ये इसका बेसिक एक जो डिफरेंस है। और हम देखेंगे कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इसमें आज इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग हर जगह हो रहा है। पहले हम देखते थे कि हम वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काम करते थे, जो बहुत पहले कंप्यूटर आते थे, फोटोस्टेट मशीन्स आती थी, ट्रांजिस्टर्स आते थे, रेडियो आते थे, तो इनके ऊपर कैसे काम होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काम होता था और बहुत ही स्लो होते थे। लेकिन आप आजकल आप देख रहे हैं जितने भी आप चीज़ें, चाहे घर पे लगी हों, कहीं लगी होंगी, एक्सरे मशीन हो गई और ECG मशीन हो गई, अगर आप हॉस्पिटल में जाओ घर में देख लो मोबाइल होगी, इसमें PCB लगे होते हैं और छोटे छोटे मोबाइल भी बने होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। तो इन सब में क्या हो गया? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आ चुकी है, नए तरीके से काम हो रहा है। तो सब कुछ बदलता है एक टाइम बाद। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना समझिए कुछ भी नहीं है। जो नया ज़माना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। जब आप आगे जॉब करोगे किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में तो नई नई चीज़ें सीखोगे। PCB कोई कंपनी PCB बनाती होगी, किसी में PCB में आपको कंपोनेंट्स लगाने को देंगे, तो और किसी में आप खिलौने देखोगे बच्चों के, तो उनमें भी क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम होता है। उसके अंदर अगर आप कभी खोल के देखोगे खिलौनों को, तो उसके अंदर PCB ही लगी रहती है, हर कोई खिलौना।
देखा होगा आपने चाइनीज जो हमारे ज्यादातर खिलौने कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो चाइना हमारे को काफी महंगा बेचते हैं, जबकि जो उसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं पीसी में काफी सस्ते होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमें इंडिया में अपने ऊपर जो हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उस पर काम करना चाहिए। तो ये क्या सब है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री है। और आज हमारी ये इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग खुद ही बनाएं और हम लोग एक्सपोर्ट करें उन चीज़ों को। तो आगे आप देखेंगे कि जो हम एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट पर काम करेंगे, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है। और साथ में ये जो कंपोनेंट्स हैं मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इनको आपकी फ़ोटो दिखा देता हूँ और आप थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे एक्सप्लेन के साथ मैं इनको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कंपोनेंट्स भी दिखाऊँ। तब तक आप ये देखिए, देखिए एक रजिस्टर है। रजिस्टर का काम क्या होता है, ये क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना होता है, उसको रजिस्ट करना होता है, जैसे नाम से ही है। और कितना करंट चाहिए नहीं चाहिए ये क्या करता है, रजिस्टर यहाँ पे काम करता है। ये क्या होता है, रजिस्टर। आगे देखिए ये सिंबल किसका है, ये है कैपेसिटर का सिंबल हो गया। कैपेसिटर क्या करता है, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, स्टोर करता है। ये आ गया आपका डायोड, देखिए ये हो गई इसकी पॉजिटिव साइड और ये हो गई एंड नेगेटिव साइड हो गई। इस तरीके का डायोड आप देखेंगे। अगला आ गया आपका सिंबल, आ गया लाइट एमिटिंग डायोड। ये देखिए इसमें लाइट जैसी बनी है ना, ये दो एरो, ये लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। जबकि आप ऊपर देखते हैं तो इसमें दो एरो नहीं थे, ये क्या था, खाली डायोड था। ये क्या हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। और ये हो गया ट्रांजिस्टर, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर हो गया जिसमें कलेक्टर है, बेस है और एमिटर है। और इसका काम मैंने जैसे आपको बताया, एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल पावर। क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक और किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को। ये क्या करता है, एम्पलीफाई करने का मतलब होता है कि किसी भी जो सिग्नल है, जो कोई वीक सिग्नल है उसको स्ट्रेंथ देना होता है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है। इसके बारे में आप आगे पीएन जंक्शन पढ़ोगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। ये होता है देखिए एंटीना, जब आप कोई डायग्राम बनाते होंगे जैसे कम्युनिकेशन में, इस तरीके का एंटीना बनाया जाता है। और एंटीना के बाद ये देखिए, ये है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता है ना, आप YouTube वीडियोस में देखते होंगे लोग बोलते हैं, एक आगे माइक जैसा लगा होता है उसको कहते हैं माइक्रोफोन, ये उसका सिंबल होता है। ये हो गया आपका लाउड स्पीकर। अभी लाउड स्पीकर भी आपने DSC में पढ़ा होगा। देखिए ये देखिए इस तरीके का सिंबल होता है लाउड स्पीकर का। शादी फंक्शन कोई होता है उसमें बोलते हैं लाउड स्पीकर बजाता, तो यही एक फंक्शन, यही एक उसका पार्ट है। ये होता है रिले स्विच, ये इसकी कंपोनेंट की फोटो है। ये है रिले स्विच, ये ओपन एंड क्लोज सर्किट इलेक्ट्रोमैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली रिलेज कंट्रोल वन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉन्टैक्ट इन अनदर सर्किट। और इसके बाद आता है आपका ये ट्रांसफार्मर, देखिए इस तरीके का एक फिगर होगा ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी वोल्टेज को अप डाउन करता है। कोई आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे ट्रांसफार्मर लगे होते, तो ये वही ट्रांसफार्मर होता है। और वो ट्रांसफार्मर का बड़ा साइज होता है क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा बढ़ानी होती है, कम करनी होती है। और जो हमारे PCBs होते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, इस तरीके से होता है। देखिए ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर, इस तरीके से ये है ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें जो फोर और मोर डायोड्स इसमें क्या करे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं टू कन्वर्ट AC टू DC। ये आ गया आपका फ्यूज़, ये देखिए फ्यूज़ का ये है सिंबल। और इसके नीचे आ गया आपका बैटरी। देखो आपने देखा होगा घड़ियाँ होती है जो हम हाथ पे पहनते हैं, उसमें भी देखो ऐसा इस तरीके का बैटरी लगी होती है। तो ये उसका सिंबल है, ये उसका कॉम्पोनेंट है। और ये इंडक्टर आ गया आपका, ये सिंबल है इंडक्टर का। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस तरीके से स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के तरीके से, जब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है। और ये हो गया आपका स्विच, ये देखिए स्विच, हमने कई जगह इस तरीके के बटन देखे होंगे, ये इसका सिंबल है और ये कॉम्पोनेंट है। ये हो गया IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये देखिए IC, ये इसका सिंबल है।
तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाए, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में उसमें एक्सप्लेन करूँगा सही से, और आपका होमवर्क ये रहेगा कि इन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा आप भी पढ़ोगे और उनके सिंबलों को देखोगे। आपको पीडीएफ मैं भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।